आज हम हिंदी भाषा में व्याकरण का भाग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि भाषा है जो कि कक्षा 3, 4 और 5 सभी में है। आज हमें सीखना है भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है। मन के भावों को और विचारों को किस तरह से प्रकट करना है, या तो लिख करके या फिर बोल करके। मन के भावों और विचारों को किस तरह से, या तो लिख कर या फिर बोल कर अपने भावों और विचारों को प्रकट करना भाषा कहलाती है। अब भाषा हमने पढ़ा कि भाषा क्या है, इसके बाद है भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा 2 प्रकार की होती है। पहली है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, और दूसरी है लिखित भाषा। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है, बोलकर अपने भावों को और विचारों को प्रकट करना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। बोलकर अपने मन के भावों को प्रकट किया जाता है। जिस तरह से मैं आपको बोल करके समझा रही हूँ कि भाषा क्या है, इसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। जिस तरह से आप लोग देखते हैं कि नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो वो मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह से हम रेडियो पर जब गाने सुनते हैं, तो उसमें भी मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है अपनी लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है, लिखकर अपने भावों को और विचारों को प्रकट करना लिखित भाषा कहलाती है। लिख करके यानी कि लेटर लिख करके हम अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, या फिर और जो सामने वाला है वो हमारे भावों को पढ़कर समझता है, इसी को हम लिखित भाषा कहते हैं। जिस तरह से हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को सुनते हैं, समझते हैं, इसी को हम लिखित भाषा कहते हैं। अब भाषा के लिए लिपि कौन सी यूज की जाती है, यानी कि भाषा किस तरह से लिखी जाती है, भाषा को लिखा किस तरह से जाता है, इसी को लिपि कहते हैं। लिपि आता है भाषा के लिखने के ढंग को। ढंग मीन्स होता है तरीका, ढंग मीन्स तरीका। तो भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहा जाता है। भाषा किस तरीके से लिखी जा रही है, इसको हम लिपि कहते हैं। इसके बाद होता है जो सभी भाषाएं होती हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग लिपियां होती हैं। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जिस तरह से ये है राम, श्याम, ये आती है अपनी देवनागरी लिपि में। अब इसके अगर हम देखें दूसरी जो भाषाएं होती है जैसे अंग्रेजी, तो अंग्रेजी भाषा को लिखा जाता है रोमन लिपि में। अब वो लिखने का तरीका है जैसे ये अपना जो तरीका है ये आता है देवनागरी लिपि में, यानी कि हिंदी भाषा के अंतर्गत। इसके बाद में ये जो अपना तरीका है ये आता है अंग्रेजी भाषा में, जो कि लिखी जाती है रोमन लिपि में। तो ये आज हमने देखा कि हिंदी भाषा को और सभी भाषाओं को लिखने के तरीके अलग अलग हैं। तो भाषा के लिखने के तरीकों को या ढंग को लिपि कहा जाता है। एक बार मैं वापस से रिपीट करूंगी, भाषा किसे कहते हैं, मन के भावों को और विचारों को दूसरों के सामने लिखकर या बोलकर प्रकट करना भाषा कहलाता है। अब भाषा के प्रकार, ये भाषा कितने प्रकार की होती है। पहला भाग है मौखिक भाषा, बोल करके अपने भावों और विचारों को प्रकट करना मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा, लिखकर अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करना लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। लास्ट है अपना भाषा का लिखने का ढंग, यानी कि भाषा के लिखने के ढंग को या तरीके को हम लिपि कहते हैं। धन्यवाद।